हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज आप लोगों का टॉपिक है मैक्रोस। ये आप लोगों की इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद आप लोगों को जो यूनिट स्टार्ट करना है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। आज आप देखिए मैक्रोस क्या होते हैं, हम इनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम इनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, हम इनको रन कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैक्रोस समझने की ज़रूरत है। मैक्रोस होते क्या हैं? मैक्रोस सिंपली ये एक टूल है अवेलेबल, ये आपके वर्ड प्रोसेसर में भी अवेलेबल होता है और आपकी स्प्रेडशीट्स में भी अवेलेबल होता है। इससे आप लोग बेटा क्या करते हैं, इससे आप लोग सिंपली कुछ सेट ऑफ स्टेप्स जो हैं आप लोग वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब आप लोग सेव कर सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में आप लोग सिमिलर टाइप के स्टेप्स को एक ही स्टेप में परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने कुछ लिखा है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सी फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन समथिंग, से आप लोगों के क्लास का नाम 10th, तो मैंने यहाँ पे सिंपली 10th लिखा है। तो मैं बहुत सारी चेंजेस कर सकती हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको बोल्ड बना दिया, इसके साइज़ को इंक्रीज कर लिया, इसका से फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया। तो ये सारी चीज़ें बेटा आप लोग इसमें कर सकते हो। तो जब आप ऐसे कोई एडिटिंग करते हो, जब आप ऐसे कोई फीचर्स का इस्तेमाल करते हो, ऐसी कोई एडिटिंग, मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया, इसका कलर चेंज कर दिया, इसकी अलाइनमेंट चेंज कर दी, इसको सेंटर अलाइन कर दिया, तो दैट मीन्स ये बहुत सारे स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई सिमिलर एडिटिंग करनी होगी, मे भी आप लोगों को याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें की थी, मैंने इसमें कौन कौन सा स्टेप परफॉर्म किया था। तो इस केस में आप लोगों को ये बहुत हैंडी फीचर है जिसको आप मैक्रोस का नाम देते हैं। इससे आप लोग जो भी काम करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप उसी रिकॉर्डिंग को रन करके किसी दूसरी चीज़ पे सिमिलर स्टेप्स को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें लिमिटेशंस भी कुछ हैं। लिमिटेशंस है, फॉर एग्जांपल जब आप विंडोज़ को ओपन क्लोज करते हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती हैं। तो सिलेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है, विंडोज़ को स्विच करना आपस में वो रिकॉर्ड नहीं होता है, आपके कर्सर का ट्रैवलिंग ये रिकॉर्ड नहीं होता है। ये सिंपली आपके रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करता है इनटू अ सिंगल स्टेप जो आपने से फॉर एग्जांपल 7-8 स्टेप्स में किया होगा परफॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक मैंने ये बनाया, यहाँ पे 10th मैंने लिखा, अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखती हूँ और उसके लिए मैं मैक्रोस को रिकॉर्डिंग उसकी स्टार्ट करती हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ किसी का नाम, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हीमू, मैंने यहाँ पे हीमू लिखा है। तो अब मैं चाहती हूँ इस पर कुछ चेंजेस करना, इस हीमू पे मैं कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ। तो मैं टूल्स में जाऊँगी और यहाँ पे मैक्रोस में जाऊँगी। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट, रन, रिकॉर्ड एंड एडिट। तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले अपना मैक्रोस जो है वो रिकॉर्ड करूँगी। मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप ऊपर देखिए, यहाँ पे आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रोस का एक छोटा सा डिब्बा जैसा, और ये दिखा रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्ड मैक्रोस। अभी सिलेक्टेड है रिकॉर्ड मैक्रोस, दैट मीन्स अभी आप जो भी हीमू के साथ करेंगे या कहीं और करेंगे वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं हीमू को सिलेक्ट करती हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया हीमू को, और फिर मैं क्या करूँगी, इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। तो मैं इसका साइज़ 24 रख रही हूँ, मैं इस 24 ज़्यादा हो गया, मैं इसका 20 रख रही हूँ। और मैंने इसका कोई फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, से फॉर एग्जांपल मैंने अमीरी कुरान रख दिया, और यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड बना दिया, यहाँ मैंने इसको इटैलिक कर लिया, यहाँ मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, यहाँ मैं इसका फ़ॉन्ट कलर से फॉर एग्ज़ाम्पल रेड बना रही हूँ, यहाँ मैंने इसको हाईलाइटिंग में बैकग्राउंड कलर येलो रख दिया। आप कोई और भी कलर रख सकते हैं, एंड सिमिलर केस में मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। तो ये सारी एडिटिंग जब आप लोग हीमू के साथ करेंगे, अब आप चाहते हैं बस इतनी ही चीज़ें मुझे इस मैक्रोस में रिकॉर्ड करनी है, तो आपको सिंपली यहाँ पे बेटा स्टॉप मैक्रोस, स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपसे एक नाम पूछेगा, आप अपने मैक्रोस का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो मैं इसका नाम से फॉर एग्ज़ाम्पल 10th रखना चाहती हूँ, आपकी क्लास का नाम, मैंने इसका नाम रख दिया 10th, या हम इसका नाम लेवल 1 रख देंगे, लेवल 2 जो आपकी क्लास का वोकेशनल कोर्स का लेवल है, मैंने इसका वो नाम रख दिया, और इसको हम कर देंगे सेव।
अब मैंने ये सेव कर लिया, ख़त्म, इसी के साथ बात। अब से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम आप लोगों को कुछ और लिखना है जिसके साथ आप चाहते हैं हिम बड़ा खूबसूरत लिखा गया है, मैं चाहती हूँ मैं बिल्कुल इसी तरीके से अपना भी नाम लिखूँ, तो कोई और लड़की आती है से फॉर एग्जांपल इंशा आती है, वो बोलती है मुझे भी इसी तरीके से अपना नाम लिखना है, तो मैं इंशा को सिलेक्ट कर दूँगी और यहाँ पर टूल्स में जाऊँगी, टूल्स में फिर से दोबारा जाऊंगी और यहाँ मैक्रोस में रन मैक्रोस पे जाऊंगी। जब आप बेटा रन मैक्रोस में जाएंगे यहाँ पे एक छोटा सा विंडो खुलेगा जहाँ पे जितने भी आपके मैक्रोस होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखिए मैंने मॉड्यूल 1 में वो ऑलरेडी सेव किया था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ लेवल 2 माइक्रो 1 मेन और सबा नाम के 4 मैक्रोज आ रहे हैं, तो मैंने इसमें अभी आप लोगों के सामने लेवल 2 बनाया, तो ऑब्वियसली हमें यही यूज़ करना है, तो हम लेवल 2 को सिलेक्ट, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम लेवल 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको रन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इंशा के साथ वही एडिटिंग हुई जो हीमू के साथ हुई, देखिए यहाँ पे इसका साइज 20, अमीरी कुरान बोल्ड, इटैलिक अंडरलाइन, रेड कलर और इसमें बैकग्राउंड कलर और ये सेंटर अलाइन खुद ही हो गया। तो दैट मींस आप लोगों को बार बार वो फॉर्मेटिंग स्टेप्स मेमोराइज नहीं करने, आप सिंपली उनको रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन बेटा मैक्रोस की कुछ लिमिटेशंस हैं जैसे मैंने आप लोगों को बोला, या आप लोगों को स्विचिंग ऑफ विंडोज रिकॉर्ड नहीं करता है, ये आप लोगों को मतलब अगर आपने कोई चेंजेस अचानक से उसमें बना दिए जिसमें मैक्रोस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है फिर सेव हो गया है, फिर से फॉर एग्जांपल अगर अब मैं हीमू में कोई चेंज करूँगी तो इंशा में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी हमने सेव कर लिया और पुरानी ही सिर्फ चेंजेस इसमें स्टोर होती हैं। तो ये था हमारा बेटा मैक्रोस, आप सिमिलरली अपने मैक्रोस को डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं, हम मैक्रोस में जाएंगे वहाँ पे ऑर्गेनाइज मैक्रोस करेंगे, लिब्रे ऑफिस बेसिक में जाएंगे, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे सबा मैक्रोस 1 मेन से फॉर एग्जांपल मैं इस मैक्रोस को डिलीट करूँगी, लेवल 2 को अगर मैं इसको डिलीट करूँगी, यस इसको क्लोज कर देंगे, तो अगर मैं अब इसको ढूंढूंगी से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है इसको सिलेक्ट करके मैं चाहती हूँ अब मैं इस पर मैक्रोस सिलेक्ट करूँ जो मैंने अभी किया था, मैं रन मैक्रोस करूँगी, फिर से एक विंडो खुलेगा यहाँ पे मैं अपने मैक्रोस को ओपन करूँगी, यहाँ पे स्टैंडर्ड, यहाँ पे मॉड्यूल 1, देखिए यहाँ पे अब लेवल 1 नहीं आ रहा है क्योंकि वो मैंने डिलीट कर दिया। इसी के साथ आप अपनी मर्ज़ी से मैक्रोस को नया बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं ऑलरेडी। तो ये था आज का टॉपिक मैक्रोस, जो आपका लास्ट वाला टॉपिक है, इसकी बस इसी के साथ आपका यूनिट कम्प्लीट होता है, मैं इसके नोट्स आप लोगों को जल्दी भेजूँगी और इंशाल्लाह कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।